Assalamualaikum. How are you, class? I hope you all fine. Today we will learn about hard disks. Let's start lesson. Today our topic is hard disk. कि हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हार्ड डिस्क डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं और हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ अ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस है कि हार्ड डिस्क में डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जब तक हम नहीं चाहते तब तक डाटा डिलीट नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क लोकेट करती है सिस्टम यूनिट की साइट पे। हार्ड डिस्क कंसिस्ट होती है सेवरल रोटेटिंग डिस्क, यानी कि डिस्क की तरह होती है, रोटेट करती है, इसे कहते हैं प्लेटर्स। और प्लेटर्स का फंक्शन ये होता है कि ये डाटा को स्टोर करती है। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हार्ड डिस्क का काम फंक्शन ये होता है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है इन इट। दिस वीडियोस शोइंग इज हार्ड डिस्क, फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क, कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। ये एक डिस्क नुमा होती है जो रोटेट्स करती है, इट्स कॉल्ड प्लेटर। प्लेटर का काम ये होता है कि स्टोर करती है डाटा को रीड एंड राइट फॉर्म में। हार्ड डिस्क इज द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज आल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और हार्ड ड्राइव। इट इज रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। Each platter store data. They are sealed in an airtight case to keep them free from dust. It can store very large amount of data and information. Nowadays, external hard disks are also available in the market. So today we learn about define hard disks or write a short note on hard disks. Allah Hafiz, take care.